नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोल्ड फिल्म मिरर हमेशा नई प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करने का प्रयास करता है, और आज ऐसे ही एक युवा प्रतिभा से मिलाएंगे जो लेखनी के क्षेत्र में काफी बेहतर कर रही है, और कम उम्र होने के बावजूद उन्होंने काफी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी है। तो आइए चलते हैं हमारे संवाददाता खुशी दालन के साथ और मिलते हैं युवा कवित्री दीपिका उराव से। मैंने लिखी है, उसका शीर्षक है कोई अर्थ नहीं। तो ये कविता की जो शुरुआत है कुछ इस प्रकार है कि नित्य जीवन के संघर्ष से अंतर्मन तेरा टूट गया, फिर जो सुख का समंदर पाया उसका कोई अर्थ नहीं। बुरे वक्त में साथ नहीं, जरूरत में पास नहीं, जब सफलता पाए तो पास आ गए, ऐसे रिश्तेदारों का कोई अर्थ नहीं। जिस माँ बाप ने जन्म दिया, पाल पोस कर है बड़ा किया, उनकी इच्छाओं को ना तूने कभी पूरा किया, तो ऐसे बड़े होने का कोई अर्थ नहीं। वो है क्या होती है माँ। हालांकि हम लोग सबके पास माँ होती हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे जिनके पास माँ होती हुए भी उन्हें माँ की कद्र नहीं होती है। तो मैं अपनी इन कविताओं के माध्यम से हर उन बच्चे को ये समझाना चाहती हूँ कि माँ सिर्फ एक माँ नहीं होती है, वो भगवान का दूसरा रूप होती हैं, क्योंकि भगवान हमारे पास हर वक्त नहीं रह सकते, इसीलिए उन्होंने इस धरती में माँ को भेजा है। जी, तो मेरी जो कविता है वो मैं अब पढ़ रही हूँ। 9 महीने अपने कोख में रखकर इस दुनिया में हमें लाती है माँ, अनकही बातों से ही हमें सिखा जाती है माँ, कोई रुलाए तो हंसाती है माँ, पापा के डांट से भी बचाती है माँ, खुद भूखे रह जाएं फिर भी हमें खिलाती है माँ, अपने शरीर पर फटे कपड़े होने के बाद भी हमें नए कपड़े दिलाती है माँ, कभी कभी पिताजी का भी फर्ज पूरा कर जाती है माँ, कोई दिल दुखाए तो हंसाती है माँ, हमारी गलतियों को कभी कभी छुपा जाती है माँ, अपनी खुशियों को छोड़ सबकी खुशियों को पूरा कर जाती है माँ, दिन भर की थकान को भूल कर भी रात में पिताजी के पांव दबाती है माँ। हाय दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि हम जो नई टैलेंटेड लोग हैं, जो हमारे जो नए साहित्य के बच्चे हैं या बच्चियां हैं जो इस फील्ड में आ रहे हैं और वो आसनसोल से उनका ताल्लुक है, आज ऐसी एक हिंदी की कावित्री जो जस्ट अभी न्यू कमर है और जिन्होंने अभी अपनी पोएट्री का स्टार्ट किया है, आइए उनसे आपको मिलाता हूँ। उनका नाम दीपिका मुराव है, उनका ताल्लुक धर्मपुर से है। आइए जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या करने की और चाहत है। बताओ आप दीपिका जी, कि आपकी पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई? जी, मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट की हूँ बनपुर गर्ल्स हाई स्कूल से। जी, क्लास 1 वहीं से स्टार्ट की हूँ। जी, और आज मैं बीएड कर रही हूँ दुर्गापुर राजेंद्र एकेडमी फॉर टीचर एजुकेशन से। अच्छा, आप लोग कितने भाई बहन हो? मैं अकेली हूँ और एक मेरे भैया हैं। अच्छा, पिताजी का नाम आपका? पिताजी का नाम है सुभाष मुराव। और मम्मी का? गीता देवी। अच्छा, तुम तो लड़की हो जी, तुम जो इतनी लंबी सफर तय की तालीम हासिल करने में, कोई दिक्कत कोई कठिनाई तो नहीं आया? जी हाँ, कठिनाई की तो कठिनाई बहुत सारी आई हैं, लेकिन सभी चुनौतियों को पार करते हुए मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। मुझे लगता है मैं आगे भी सफल होंगी जरूर। नहीं, बिल्कुल आप आगे बढ़े, हम लोग आपके साथ हैं। अच्छा, ये जो आपने पोएट्री, जो आप कहाँ से आपने सीखा पोएट्री, कैसा लगा कि आपको पोएट्री करना चाहिए? जब मैं मास्टर डिग्री कर रही थी उस वक्त तक मुझे पोएट्री सच कहूँ तो अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वहाँ पर हमारे एक टीचर थे जिनका नाम है विजय सर, लेकिन वो लिखते हैं निशांत के नाम से। जी, तो जब वो कविता पढ़ते थे तो उनकी कविता मुझे बहुत अच्छी लगती थी, उन्हीं को देखकर ही आज अगर मैं लिख रही हूँ तो उन्हीं से कुछ सीख कर लिख रही हूँ। अच्छा, आप तो हिंदी के स्टूडेंट है, हिंदी लिटरेचर को आपने पढ़ी होगी जी। हिंदी में किन लोगों को पढ़ना आपको अच्छा लगता है? अच्छा, रामचंद्र शुक्ल हैं,
हरिशंकर परसाई जी हैं, मुझे उनका व्यंग बहुत पसंद है। और अगर उपन्यास में कहें तो मुझे मुंशी प्रेमचंद की बहुत ज़्यादा पसंद है, फिर कृष्ण सोबती जी हैं, उनका भी बहुत अच्छा लगता है। मुंशी प्रेमचंद जो वो लिखते हैं उनको बहुत पसंद करते हैं, जी तो मुंशी प्रेमचंद जो लिखे हैं उनमें क्या चीज़ आपको अच्छा लगता है? जी वो गरीबी को दुनिया से सामने लाते हैं, दुनिया के सामने लाते हैं और दुनिया से उनका साक्षात्कार करवाते हैं। वे अपने कहानियों और उपन्यास में उन मुद्दों को लेकर आते हैं जिनके ऊपर कभी लोगों का ध्यान तक नहीं जाता। जैसे कि उनकी कहानी थी हामिद ईदगाह, उसके जो छोटा बच्चा उसका नाम था हामिद, तो उस छोटे बच्चे पर किसी का भी ध्यान नहीं जा सकता कि उस छोटे से बच्चे के दिमाग में कहाँ से आया कि वो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदे। जी हाँ, तो इसी तरह से कहानी में उनके हर एक कहानी में बहुत सारी कहानियां उनकी है। माने समाज का दर्द होता, जी समाज का जो कर्व वो होता है। जी अच्छा, ये लगता है कि अभी आप जस्ट लिखना शुरू किए हैं, तो आप अपनी जो साहित्य उसको किसके तरफ ले जाना चाहते हैं? आपको क्या लगता है समाज में क्या बुराई है जो आप अपने पोएट्री से उसको लोगों को सामने लाएं? मैं जो अपनी पहली कविता लिखी थी वो गरीबी पर थी, और मुझे लगता है आज समाज में गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लोगों का ध्यान कभी गरीबी पर जाता नहीं है, लेकिन अगर आज हम दुनिया के हर कोने में जाएंगे तो हमें कई गरीब मिलेंगे, कई ऐसे लाचार मिलेंगे जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उन्हें उनकी कोई सहायता करे, कोई मदद करे, उनके बच्चे भी पढ़े। आज अगर हम बस स्टैंड में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें कई गरीब बच्चे मिलते हैं जो भीख मांगते हुए दिखते हैं। अगर आप उनसे कहें कि चलो मैं आपको पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, तो वो सीधा कहते नहीं मुझे भीख नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ। मतलब उनके दिमाग में ऐसा कुछ बैठा दिया गया है कि उन्हें सिर्फ भीख ही मांगना है। मैं चाहती हूँ आज हर एक छोटे छोटे बच्चे भी शिक्षित हों, और हाँ पढ़ाई लिखाई के बल पे भी वो कुछ कर सकते हैं। आपने कहा कि आप समाज में जो देखते हैं वो चाहते हैं कि गरीबी दूर हो, जी तो क्या लगता है हम लोग समाज में गरीबी कैसे दूर कर सकते हैं? समाज में अगर गरीबी को दूर करना है तो सबसे पहले हमें उन बच्चों को भीख देना बंद करना पड़ेगा जो हर जगह, हर रास्ते, हर बस स्टैंड, हर रेलवे स्टेशन में भीख मांग रहे हैं। हर और सबसे पहले उन सदस्यों को पकड़ना पड़ेगा जो बच्चे को पकड़ कर उन्हें पढ़ाते नहीं हैं, उन्हें ये सिखाते कि हमें भीख कैसे मांगना है, क्या कहने पे हमें भीख दिया जाएगा। सबसे पहले उन लोगों को बंद करना पड़ेगा। दूसरी बात, हर जगह में स्कूल के एक सुविधाएं तो उपलब्ध करानी पड़ेगी ताकि हर बच्चे स्कूल जाए, और स्कूल जाने के लिए उन्हें कुछ, जैसे कि हम जानते हैं बच्चे के मन में लालच होती है, तो उन्हें लालच देकर ही पहले पढ़ाना पड़ेगा ताकि उनके मन में पढ़ाई का जागे जी जागृत हो कि वो पढ़ें, कुछ बने। और जब वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जब उनके अंदर ये आ जाएगी कि हमें पढ़ना चाहिए, वो बच्चे खुद ही पढ़ने लगेंगे, उनके मुंह से ये कभी नहीं निकलेगा कि हमें भीख मांगना है। जी तो क्या लगता है कि अगर किसी लड़की के अंदर चाह तो करने का, जी तो वो ऐसा कर पाएगा? जी बिल्कुल, अच्छा अगर किसी के अंदर में चाह होती है तो वो अपने राह को पाकर ही रहते हैं, लेकिन उसके लिए मुसलसल मेहनत करना पड़ेगा। जी बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि हम जिस परिवार से बिलोंग करते हैं उस परिवार में कठिनाइयां बहुत आती हैं, लेकिन उनको उस सारी चुनौतियों को पार कर जाने के बाद ही जो मुकाम मिलता है ना, उसका खुशी कुछ और होता है। तक हम लोग तो दीपिका से बात कर रहे थे, लेकिन किसी को बनाने में माँ का बहुत अहम रोल होता है। आइए उनकी मम्मी से जानते हैं कि वो दीपिका के बारे में क्या सोचती है। अच्छा, आमतौर पर कैसा लगता है आपको दीपिका से, क्या उम्मीद है? हम चाहते हैं कि आगे ही बढ़े। अच्छा, इसको देख हमको खुशी होगा, जो जो आगे बढ़ेगी तो हमको ज़्यादा खुशी होगा। हम जिस माहौल से अपने लड़की को हम पढ़ाए लिखाए, जिस अवस्था में, हम चाहते हैं मेरा बेटी आगे बढ़े। अगर वो आगे मैंने सक्सेसफुल हो जाएगी, सबसे ज़्यादा मेरे को खुशी होगा। नहीं, वो तो ये सक्सेसफुल है, इन्होंने मास्टर डिग्री भी किया है, अभी आपको जाकर के ये और पढ़ रही, ठीक है। ये है कि जब हम जिस समाज में, अगर वहाँ किसी लड़की की पैदाइश होती है तो लोग बहुत मातम करते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे वहाँ भी माँ को सीख दे कि बच्चा को कष्ट ना दे, खुशी से रखे, कितना भी कष्ट हो कि बच्चा को हमेशा अच्छा बुद्धि दे, आगे बढ़े। दुख हो उसको, मैंने घर हर जगह दुख हो, सब तो पैसा वाला होता नहीं है, बहुत से गरीब है। बस हम यही चाहेंगे माँ को ऐसा बच्चा को सिखाए जो गरीबी से भी पढ़ के वो आगे बढ़े। दुख जो है अपना मन में संतोषी करके रख देना चाहिए, मैंने कष्ट ना हो। आप जब इनको पढ़ाती हैं, ठीक है, तो कुछ आलोचना होते हैं, कुछ लोग कहते हैं बुरा बुरा के, हाँ, तो उनका मुकाबला कैसे करती हो? तो हम बोलते हैं कि मेरा बेटी पढ़ेगी, कुछ भी हो जाए प्रॉब्लम, कितना अपना बेटी को आगे बढ़ाएंगे। हम बेटी की पढ़ाई में कभी नहीं रोते हैं, बहुत कुछ बोला कि इसको शादी कर दो, कितना पढ़ाएगी, बहुत पढ़ ली, क्या होगा,
नहीं, मेरा बेटी कभी खुशी में तोड़े बेटा, तुम आगे जहाँ तक पढ़ेगी तुम पढ़ो, हर चीज में साथ देंगे, जो चीज खुशी हो। आप बेटी को क्या बनाना चाहते हैं? बस इसको जो खुशी मने बने, इसका जो इच्छा, इसको हम रोकेंगे नहीं। अपना मुस्तकबिल, अपने हम उसको पजोस्ती नहीं करेंगे, इसका ऊपर है, डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये अपना खुशी से कुछ भी बने, एक खुश है तो हम भी खुश है। हम लोग ये चाहेंगे कि दीपिका का फ्यूचर हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं? जी मैं चाहती हूँ मैं एक सफल टीचर बनूँ और अपने माँ पिताजी और हाँ मेरे भैया का नाम रोशन करूँ। ये मेरे लिए सबसे गर्व की बात होगी, उन्होंने जिस कठिनाइयों का सामना करते हुए मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं चाहती हूँ कि आगे कुछ बनकर उनका नाम इस प्रकार रोशन करूँ कि हाँ उन्हें गर्व हो कि मेरे पास भी बेटी है। क्योंकि आजकल समाज में बेटियों का उतना कोई सम्मान नहीं होता है, बेटियां होते ही सब कहते हैं कि क्या हुआ लड़की हुई है। तो मैं आज हर उन लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपके मन में चाह है तो जरूर आपको राह मिलेगी, बस हाँ आपको चुनौती और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आज मुझे गर्व है कि मेरे पास ऐसे माँ और पिताजी हैं और भैया भी हैं जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, जो मुझे इस मुकाम पर लाने के लिए आज भी मेरे पीछे ही अपने हाथ दिए खड़े हैं। मैं जहाँ भी कहीं मुसीबत में होती हूँ मेरे माँ पिताजी मेरे भैया हमेशा मेरे साथ देते हैं। इस मतलब परस्ती के दौर में हम लोग देख रहे हैं कि जो मोहब्बत का शब्द है वो चेंज होता जा रहा है। हम लोग आए थे कुछ करने के लिए और कर रहे हैं कुछ। अभी हम लोगों ने देखा एक दिन गुजरा है वैलेंटाइन डे, इस पर मैं दीपिका से ये जानना चाहूँगा कि एक लेखक जब वैलेंटाइन डे के बारे सोचती हैं तो क्या सोचती हैं? जानते हैं वैलेंटाइन डे को प्यार का दिन कहा जाता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि प्यार सिर्फ एक लड़के और लड़की के बीच में हो ज़रूरी नहीं है, प्यार परिवार में भी हो सकता है। अगर वैलेंटाइन डे मनाना है तो हमें अगर कहें तो हमें उन माँ बाप के साथ मनाना चाहिए जो हमें इस मुकाम तक लाते हैं, जो हमें पूरे संसार से प्यार करना सिखाते हैं, हमें प्यार का असली मतलब वही सिखाते हैं। ना कि अगर किसी को गिफ्ट दे दिया या किसी की खुशी के लिए उनके साथ घूम लिए तो ये वैलेंटाइन डे नहीं होता है। प्यार एक एहसास होता है, उसको समझना चाहिए। हाँ, और वो समझने की क्षमता भी हमें अपने माँ बाप से ही मिलती है। अच्छा, अभी हम लोग देखते हैं कि लड़कियों को बहुत समझा जाता है और उनको ये कहा जाता है माँ बाप को कि आपकी अभी जस्ट बच्ची जब जवान होती है तो कहा जाता है कि अच्छा आपकी बेटी जवान होगी, आप एजुकेशन बंद कर दिए और उनकी शादी कर दी है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बात नहीं है, ये एक उन सोच का है जिन इससे पता चलता है कि लोगों की सोच कैसी है। मैं बोलना तो चाहूंगी कि आज हर उन बच्ची को शिक्षित करें, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं कि मान लीजिए अगर आप बच्चे को बिना पढ़े किसी घर में आपने उनका विवाह करवा दिया, उसके बाद क्या होता है अगर उनके पति का देहांत हो जाए तो उनके हाथ में अगर कोई हुनर ही ना हो, अगर वो पढ़ी लिखी ही ना हो तो वो अपने ना ही वो अपना खर्चा चला पाएंगी, और अगर उनके बच्चे हुए तो उनका भी जो फ्यूचर होता है वो खराब हो जाएगा। ना ही वो अपने बच्चे को पढ़ा पाएंगी, ना ही उनका फ्यूचर संवार पाएंगी। तो सबसे बड़ी बात कि हर बच्ची को शिक्षित करना चाहिए, ये नहीं कि वो लड़की है वो किसी के घर में जाके काम काज के लिए जा रही है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये सोच बहुत ही गलत है। मैं चाहूँगी, मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चियाँ को पढ़ाएं, शिक्षित बनाएं, उन्हें एक लड़के के काबिल बनाएं, और हाँ इस काबिल बनाएं कि वो सब वो लड़के के कंधे से कंधे मिलाकर चलें, ना कि उन्हें बोझ समझा जाए कि हाँ मैं एक लड़के को शादी करके लाया हूँ अपने घर पे काम करने के लिए, बल्कि ये समझें कि मैं एक लड़की लाया हूँ अपने साथ में साथ बनाकर हमराही बनाकर चलने के लिए। ठीक है, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आज मुझे इस मुकाम पे लाने के लिए CFM चैनल को जो मैं बहुत दिल से तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहती हूँ कि आज उन आप इस चैनल के वजह से मुझे ये मुकाम मिला है जहाँ पे शायद बहुत सारे लोगों को पहुँचने में ना जाने कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज इस चैनल के वजह से मुझे वो इतना 10 साल का मुकाम आज मुझे यहाँ मिल जा रहा है सिर्फ इस चैनल के वजह से। तो मैं आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को देखा और अगर ये अच्छा लगे तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग इसे शेयर लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए CFM न्यूज़ चैनल आप लोगों का आभारी रहेगा और हम लोगों का उत्साह बढ़ेगा तो हम लोग नए नए मुद्दे को आप लोगों के समक्ष रखते रहेंगे जिससे समाज को फायदा होगा। धन्यवाद।